पौरी में एक घंटे की बारिश ने पौरी नगर परिषद इलाकों में बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं और कुछ कॉलोनियों में पानी भर गया है। एक घंटे की बारिश से नगर परिषद के कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। जिले लेकर नगर परिषद के लोग पानी की समस्या को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि पौरी का कुछ हिस्सा नालों की जद में आ जाता है। कारण है कि अभी तक पौरी में बस्ती के बीच बहने वाले नालों में कचरे से भरा हुआ है और नालों की अभी तक नगर परिषद ने सफाई नहीं कराई है। यहाँ के कई इलाकों में नगर पालिका जेसीबी मशीन नहीं पहुँच पाती है, जबकि मानसून की आमद हो गई है। पौरी में इस बार सफाई अभियान अब तक गति में नहीं पकड़ पाया है, इसके चलते नालों की सफाई का काम समय रहते पूरा नहीं हुआ है। दरअसल नगर के बीच बहने वाले नालों का 40% हिस्सा खुला हुआ है, जबकि आबादी के बीच बहने वाले नालों के हिस्से पर अतिक्रमण है। इसके परिणाम स्वरूप नाले का ये भाग कचरे से भरा हुआ है, के चलते बारिश का बहाव प्रभावित हो रहा है और नगर परिषद के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। बारिश से पूर्व कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पौरी नगर परिषद ने नहीं हुई नालों की सफाई। पौरी नगर परिषद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो या नगर परिषद अध्यक्ष ने भी बारिश से पूर्व नालों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया, जबकि नालों की सफाई के लिए कलेक्टर साहब ने भी आदेश जारी किए थे। लेकिन पौरी नगर परिषद तो कलेक्टर के आदेश को भी नहीं मानती है, जबकि बारिश से पूर्व भी नालों की सफाई की जा सकती थी। कागजों में भी हो चुकी है नालों की सफाई और जनता धरातल पर देखने का प्रयास कर रही है कि सफाई हुई ही नहीं। देखिए, पौरी की स्थिति नहीं, समूचे हमारे पूरे क्षेत्र की स्थिति यही है। जब बारिश होती है तो बारिश से पहले इनकी तैयारी की जाती है। पौरी हमारा एक नगर परिषद क्षेत्र है। नगर परिषद क्षेत्र की हाल ये है कि नगर परिषद में काम पूरा सुन्न पड़ा हुआ है। चाहे अधिकारी हों, चाहे पार्षदगण हों, चाहे खुद अध्यक्ष हों, सब मौन बैठे हुए हैं। इनको तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, नालों की साफ सफाई पहले से करनी थी। सिर्फ कागजी कार्रवाई करके पैसे निकाल लेना और भ्रष्टाचार करना इनकी फितरत में है, और ये पूरा भ्रष्टाचार जो किया है वो आज देखने को मिला कि एक मामूली सी दो घंटे की बारिश में ही पूरी पौरी जलमग्न हो गई और मेन रास्ते गलियां हो सब घुटनों तक पानी भरा देखकर लोगों को परेशानी हुई। मैं अनुरोध करता हूँ नगर परिषद से, नगर परिषद के कर्मचारियों से कि वो जल्द से जल्द इन नालों की सफाई करें और समुचित व्यवस्था करके लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएँ। यही मेरा आपसे आग्रह है।